आपसे ये सवाल किया जाए कि इंसानों के सबसे पुराने और वफादार साथी कौन हैं, कहा तो यही जाता है कि इंसान का सबसे वफादार साथी घोड़ा और कुत्ता रहे हैं, जो सदियों से पूरी ईमानदारी से इंसान का साथ देते आ रहे हैं। और जाहिर है, ऐसे में अगर मौका और दस्तूर बन जाए तो इंसानों को भी इन वफादारों का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। श्योपुर से शुक्रिया जताने का अलग अनोखा मामला सामने आया, जहां पर सुनील प्रजापति नाम के शख्स ने घोड़े के बच्चों का जन्म होने पर न केवल उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया बल्कि केक काटा। अनोखा मामला सामने आया मुरैना के बानमोर कस्बे में खदान रोड पर रहने वाले सुनील प्रजापति के यहाँ पर, जिन्होंने घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाया और दस्टेओन भी मनाया। बड़ी बात यह कि इस मौके पर सुनील प्रजापति के ससुराल पक्ष से लोग पहुंचे कपड़े, मिठाई और दूसरा सामान लेकर। शानदार भोज इस मौके पर रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने छक्कर पकवानों का मजा लिया। जान लीजिए कि आखिर सुनील ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया क्यों। इस मामले में उनका यह कहना है कि उन्होंने काशी बाबा से ये मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी घोड़ी को खच्चर हुए तो दस्टेओन धूमधाम से करेंगे, और एक महीने पहले ही इनकी मुराद पूरी हो गई। दो घोड़ियों ने एक नर और एक मादा खच्चर को जन्म दिया, जिनका नाम भोला और चांदनी रखा गया। सबसे खास बात यह कि सुनील प्रजापति ने अभी तक अपने खुद के 3 बच्चे और एक गोद ली हुई बिटिया के कार्यक्रम को आज तक नहीं किया, लेकिन घोड़े के बच्चों के जन्म पर उन्होंने शानदार कार्यक्रम किया, जिसका कारण वे मन्नत बताते हैं। खैर, कुल मिलाकर घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाने का यह अनोखा मामला अब हर तरफ चर्चा का सबब बना है, और कुछ लोग इस मामले पर जहां हैरानी जता रहे हैं तो कुछ लोग इसे अच्छी पहल बता रहे हैं।